इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मैं यूएन के कॉन्फ्रेंस में 20 साल पहले था तो उनका प्राइम मिनिस्टर अल्बेनिया का प्राइम मिनिस्टर मिला, तो उसने मुझे कहा कि अल्बेनिया उस वक्त कम्युनिज्म के नीचे आ चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में। तो उसने कहा जब 1947 में पाकिस्तान बना तो कहता हम सब ने सीक्रेटली, क्योंकि वो उस वक्त उन्होंने कम्युनिस्ट ने दीन को इस्लाम को बैन कर दिया, तो कहता हम सब ने मिठाइयां बांटी, हमने रेडियो पे सुना कि जी एक इस्लाम के नाम का मुल्क बना है। कहता तुम्हें पता नहीं हम कितने खुश हुए रोमेनिया में बैठ के, अल्बेनिया में बैठ के। तो मेरा कंटेंशन आज ये कि हम यहां पहुंचे क्यों हैं, कि एक मुल्क मकरूज, और हाल ये है कि वो बड़े लोग अपसेट हुए कि किसी ने कहा जी कि अगर ट्रंप पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देता अमेरिका का तो पता नहीं कितना बड़ा या इस मुल्क पे अलमिया आ जाएगा। मैंने कह दिया कि मैं तो कहता हूं वो अगर ना देता कि हम इस मुल्क को ठीक करें, तो लोगों ने शोर मचा दिया कि क्या बात कर दी है इसने। सवाल हम अपने से ये पूछे कि क्या हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि अगर वो कोई आदमी हमारे वीजे बैन करता तो हम हाथ पकड़ के उसके सामने खड़े हो जाएंगे नहीं जी हमारे वीजे ना बैन करो। क्या इसलिए बना था ये मुल्क? क्यों नहीं ये हमारे में सेल्फ स्टीम और हमारे में प्राइड कि हमने इसको वो मुल्क बनाना है जो हमें, हमारे जो बाहर भी पाकिस्तानी हैं उनको ये कॉन्फिडेंस हो कि अगर बाहर कुछ भी उनके लिए प्रॉब्लम्स हो वो इस मुल्क में वापस आ सकते हैं और उनको पता है कि नौकरियां होंगी, यहां कानून होगा या गवर्नेंस होगी या ऐसा निजाम होगा। हम क्यों नहीं इसको ठीक करते बजाय जिस मुल्क में क्राइसिस आ गया कि ट्रंप कहीं हमारा वीजा ना बैन कर। मैं इस सारी चीज को, आज जो हम यहां पहुंचे हैं, मैं इसका बेसिस एक चीज इसको रखता हूं कि हमने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलाने की, हमने एक्सेप्ट कर ली ना इंसाफियां होती रही, हम एक्सेप्ट